पानी में आग लगाने वाले डायरेक्टर, वाटर वीएफएक्स एक्सपर्ट, टाइटेनिक, अवतार, पिराना, डीप सी चैलेंज जैसी मूवी बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून इन दिनों अवतार द वे ऑफ वाटर के रिलीज के पहले आराम फरमा रहे हैं। उन्हें कोई भी चिंता नहीं है इसके कलेक्शन की और रिलीज होने के बाद क्या होने वाला है। 300 करोड़ दांव पे लगा के इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया उन्हें? मूवी का एक्चुअल बजट कितना है? क्या है एडवांस बुकिंग कलेक्शन का सच? कितना कलेक्शन करेगी अवतार इंडिया में? तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, बहुत सारी जानकारी और फैक्ट्स बताएंगे आपको मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतार जेम्स कैमरून की सबसे कामयाब फिल्मों में है। दूसरा भाग दी वे ऑफ वाटर पहले पार्ट के लगभग 13 साल बाद रिलीज हो रहा है। वैसे देखा जाए ये साल हॉलीवुड के फिल्मों के लिए बेहतरीन रहा है। कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। अब सबकी नजरें टिकी है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर पर, जो 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड कायम कर सकती है। अगर किसी सबसे महंगी बजट वाली फिल्म का नाम लूं तो टॉप पे आएगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ऑन स्ट्रेंज टाइड्स विद अ बजट ऑफ $422 मिलियन, मतलब 380 करोड़ रुपए। इस फिल्म के इतने महंगे होने का कारण है इसकी लोकेशन विद मल्टीलेयर फिल्मिंग और 3D कैमरे का इस्तेमाल। अवतार भी ठीक उसी तर्ज पर बनी है और इस मूवी में 10 सबसे बड़ी टॉप मोस्ट VFX कंपनी ने काम किया है। अवतार का बजट इंक्लूडिंग प्रिंट मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट के साथ बनता है 400 मिलियन, यानी कि 2920 करोड़ रुपीज। तो बात आती है फिल्म के डायरेक्टर इतने रिलैक्स क्यों है इतना पैसा लगाने के बाद भी। अगर आप उनकी दो मूवी को देखोगे, टाइटेनिक और अवतार पार्ट 1, तो वो पहली और तीसरी सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन ऑल टाइम मूवी है और जिसने 2 बिलियन मार्क वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया है, और वो भी तब जब इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा थी। सो इस हिसाब से ये मूवी अभी के टाइम आराम से 1 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमा सकती है, जिसका इंडियन रुपीज में वैल्यू होता है 7300 करोड़। बजट 3000 करोड़, कमाई कितनी? 7300 करोड़। इट्स अ बेयर मिनिमम, ये मूवी इससे भी ज्यादा कमा सकती है। अब बात आती है इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। तो चलिए आपको 13 साल पहले लेके चलते हैं, जहां अवतार ने वर्ल्ड वाइड 14,600 करोड़ कमाए और इंडिया में 200 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जो कि सिर्फ 1.3% टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इस कैलकुलेशन के साथ चलते हैं तो इस बार ये मूवी डेफिनेटली 100 करोड़ आराम से कमा पाएगी इंडिया में, जबकि ये 13 साल पहले के सिनेरियो को लेकर देखा गया है। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है और इस वजह से मूवी का प्रोजेक्टेड कलेक्शन होगा इंडिया में 300 से लेके 400 प्लस करोड़ रुपीस। तो चलिए अब नजर डालते हैं इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन पर। एडवांस टिकट की बिक्री से फिल्म को हुई शुरुआती कमाई ने इन उम्मीदों को हवा दे दी है। अवतार द वे ऑफ वाटर हैज सोल्ड मोर देन 2 लाख टिकट। साउथ इंडियन सिटीज ऑफ हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई आर द टॉप लोकेशन, फॉलोड बाई मुंबई, दिल्ली इन नॉर्थ। अवतार द वे ऑफ वाटर ने 10 करोड़ का कलेक्शन एडवांस टिकट सेल करके कर लिया है। इससे पहले मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रिलीज से 9 दिन पहले 10 करोड़ के टिकट बिक चुके थे। हालांकि एडवांस टिकट की बिक्री का रिकॉर्ड मार्वल के ही नाम है, एवेंजर्स एंड गेम के नाम है, जिसने 65 करोड़ की रकम एडवांस टिकट सेल से जुटाए थे। इस फिल्म में भारत ने 53 करोड़ से अधिक की ओपनिंग ली थी, जो किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अवतार द वे ऑफ वाटर इस आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं, सबकी नजरें इसी बात पर लगी हुई है। मेगा बजट होने की वजह से अवतार 2 का रिकवरी के लिए काफी बड़ा कलेक्शन करना होगा। अब जेम्स कैमरून के लिए एक और गुड न्यूज है, इंडिया में अवतार 2 के सामने कोई चुनौती नहीं होगी। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में उतरेगी, यानी जेम्स कैमरून के फिल्म के सामने 1 हफ्ते का साफ मैदान मिलेगा। ऐसे में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी अवतार द वे ऑफ वाटर को रफ्तार मिलने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।